दोस्तों ग्रीन स्किन वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आपके YouTube चैनल पर दोस्तों रियूज कंटेंट आ गए, आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, आपने मेहनत करके अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज किया, व्यूज को इंक्रीज किया, लेकिन एंड में अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, रियूज कंटेंट आ गया है, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली। और ये 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, अगर इस वीडियो को अगर आप लोग एंड तक वॉच करते हो तो 100% आपके चैनल पर रियूज कंटेंट हट जाएगा और आपका दोबारा से डॉलर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लाइव प्रूफ जो में आपको भाई दिख रहे हैं, इनके चैनल पर अभी कुछ दिन पहले रियूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ गई थी, इनके चैनल पर रियूज कंटेंट आ गया था और इन्होंने अपनी नॉलेज से, अपने दिमाग से अपने चैनल पर फिर से रियूज कंटेंट को रिमूव कर लिया। तो अगर आपने भी कुछ ना कुछ गलती करके, मिस्टेक करके रियूज कंटेंट को भाई लिया है, यूट्यूब दे दिया है, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना, बिना स्किप के वॉच करना, क्योंकि यूट्यूब पर आपको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स अलग अलग तरीका बताते हैं, लेकिन ये भाई खुद अपने चैनल पर रियूज कंटेंट आया था उसको रिमूव किए, तो जो तरीका इन्होंने इस्तेमाल करके अपने चैनल पर रियूज कंटेंट को रिमूव किया है, वही तरीका आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप लोग भी अपने चैनल का रियूज कंटेंट रिमूव कर सकते हो। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर, आप अपना नाम बताइए, इसके बाद बताइए कि आपके चैनल का क्या नाम था जिस पर रियूज कंटेंट आया था और उस पर कितने सब्सक्राइबर्स थे। हाँ भाई, मेरा नाम शुभम मौर्य है और मेरे चैनल का नाम है मिस्टर SKM, जिस पर मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, उस पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं अभी? उस पे सब्सक्राइबर 20,700 प्लस है, 20 सब्सक्राइबर उस पे। अच्छा, तो 20,000 से ज्यादा इनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं और रियूज कंटेंट आ गया। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आया था तो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि आपने मेहनत करके सब्सक्राइबर्स बनाया, व्यूज बनाया, और भाई जब रियूज कंटेंट आया तो आपको कैसा लग रहा था? अरे भाई, मैं क्या बताऊँ, जब मैं सो रखा था, जब जगा तो देखा ये क्या, मेरे चैनल पर रियूज कंटेंट आ गया है। तो जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किए थे तभी आ गया था या फिर कुछ दिन डॉलर वगैरह बनने के बाद? नहीं भाई, अभी तो मैं करने वाला था मोनेटाइजेशन, तो मतलब सब जो 10 मिलियन व्यू होता है पूरा हो गया था, तो मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए जब मतलब 12 तारीख को डेट था, तो मैं करने वाला था, सुबह में जगा तो देखा अरे भाई ये क्या, रियूज कंटेंट आ गया मेरे चैनल पर। तो भाई बहुत बुरा फील हो रहा होगा उस टाइम पे भाई, किसी की मेहनत जब बर्बाद होती है। अरे भाई, मैं अपने घर पर भी नहीं था, मैं गया था यूपी में, गया था मंगलसराय दवा लेने के लिए, देखा वही, तो मैं उसी समय फिर घर भी आ गया। अच्छा, मतलब वहाँ से आप लौट आए? हाँ, वहाँ से मैं लौट आया। एक मेरे गांव में भी है भाई, वो भी वीडियो बनाता है, तो उसको मैं दिखाया तो बोला भाई घबराना नहीं, आप वीडियो डालो अपना, रियूज कंटेंट हम लोग हटा देंगे दोनों लोग मिलकर। अच्छा, तो अभी तो आपका चैनल पूरी तरीके से मोनेटाइज है, डॉलर भी बनना कोई इशू नहीं? हाँ, अभी डॉलर भी बन रहा है मेरे चैनल पर। जी, तो आप ये बताइए कि आपके चैनल पर जिस पे रियूज कंटेंट आया है तो उसको रिमूव करने के लिए आपने जो तरीका लगाया है, जो ट्रिक का इस्तेमाल किया है, वही आप इस वीडियो में बताओगे। तो जितने लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, जिनके चैनल पर रियूज कंटेंट आया है, इन्होंने भी मेहनत करके कोई 10,000 कोई 50,000 सब्सक्राइबर्स को बनाया और चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, रियूज कंटेंट आ गया, तो जो तरीका लगा के आपने अपने चैनल का रियूज कंटेंट हटाया, क्या वही चीज को लगाकर इनका रियूज कंटेंट हट जाएगा? हाँ भाई, रियूज कंटेंट वो तरीका लगा के हट सकता है। बिल्कुल, तो आप मतलब किसी से पूछे नहीं, अपना नॉलेज से आप जो भी आपने नाम बताया उनसे, उनके साथ मिलकर आप दोनों ने मिलकर रियूज कंटेंट को हटा लिया? हाँ भाई, जैसे मतलब हम लोग पहले पता नहीं था, तो हम लोग यूट्यूब पर बहुत वीडियो ढूंढे रियूज कंटेंट कैसे हटाए, कम से कम डेली 2-3 वीडियो देखते थे, देखते देखते आइडिया है कि हम लोग वीडियो देख के करते हट जाएगा तो अच्छा है, नहीं हटेगा तो फिर से क्या करके चैनल स्टार्ट करेंगे नया। अच्छा अच्छा, तो आप शुरू से बताइए कि जब आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आया उसके कितने दिन बाद आपने उसको हटाया, आप अगर हटाए तो कैसे हटाए, मतलब कहां पर आपको ऑप्शन मिला या फिर किस तरीके से आप हटाए? सबसे पहले आप थोड़ा सा बताइए कि आप अपने चैनल का रियूज कंटेंट किस तरीके से हटाए, क्या उसमें कुछ आपने लिख के यूट्यूब को दिया या फिर कोई वीडियो बना के दिया, आप कुछ बताइए। हाँ भाई, सब बताऊंगा मैं। देखो, पहले तो रियूज कंटेंट आया तो हम लोग 2-3 दिन वीडियो डालते रहे लगातार, भाई बोला कि 2-3 दिन वीडियो डालो, अगर YouTube को लगे कि हाँ आपका कंटेंट है तो वो हटा देगा, तो हम लोग डालते गए तो रियूज कंटेंट हट ही नहीं रहा था, तो हम लोग वीडियो एक देखे तो उसमें भाई बता रहे थे कि रियूज कंटेंट हटाने का प्रोसेस क्या है, तो हम लोग वो बोले कि अपना मतलब फेस भी रखना है, जैसे वीडियो शूट करते हो, जैसे बनाते हो, जैसे एडिटिंग पॉपुलर वीडियो लेके दिखा देना कि मेरा कंटेंट है, मेरा वॉइस है, मैं ऐसे एडिटिंग करता हूँ, वही सब हम लोग करके रियूज कंटेंट हटाए हैं। मतलब एक वीडियो आपने क्रिएट किया? हाँ, एक वीडियो बनाना है, उसको यूट्यूब पर अनलिस्टेड में अपलोड करना है, अब फिर अनलिस्टेड में जब अपलोड हो जाए
वाईटी स्टूडियो में जाके उसका लिंक कॉपी करके जहाँ न्यूज कंटेंट का ऑप्शन है वहाँ पेस्ट करके सबमिट कर देना है। तो ये प्रोग्रेस आपने अपने चैनल पर जब रिव्यूज कंटेंट आया था उसके कितने दिन बाद आपने ये किया? भाई मैं कम से कम 5-6 दिन बाद किया था ये। अच्छा, 5-6 दिन बाद। आपने कोई वीडियो तो नहीं डिलीट किया अपने चैनल से? नहीं भाई, वीडियो नहीं डिलीट करना होता है, उसमें चेक कर लेना होता है कि सब मेरा कंटेंट है या नहीं है। अगर है तो जैसे आप वीडियो बनाते हो ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब को बता सकते हो। तो मतलब कि आपने एक वीडियो क्रिएट किया जिसमें आपने अपने चैनल का डिटेल बताया और कुछ चीजें शेयर की जिससे आपके चैनल का रिव्यूज कंटेंट यूट्यूब ने हटा दिया, ठीक है, ऐसा कुछ सीन हुआ? हाँ। तो आप ये बताइए कि जब आपने वो वीडियो को अपलोड किया यूट्यूब के पास भेजा तो उसके कितने दिन बाद आपके चैनल पर रिव्यूज कंटेंट हट गया? 24 घंटा में तो रिव्यूज कंटेंट हट गया था मेरे चैनल पर से। अच्छा, तो ये जो आपने वीडियो क्रिएट किया था तो इसको अपलोड करने का ऑप्शन आपको कहाँ मिला? आपने कहाँ पर अपलोड किया, कहाँ पर इसको डाला? भाई जैसे हर एक वीडियो अपलोड करते हैं वैसे उसमें टाइटल, वैसे अपलोड करना है, बस टाइटल में लिख देना है अपील वीडियो और अनलिस्टेड में करके अपलोड कर देना है। अच्छा, मतलब अपील करके उसको अनलिस्टेड में करके यूट्यूब पर अपलोड कर देना है, तो यूट्यूब खुद से आपके चैनल को चेक करे। टाइटल में लिखना है अपील वीडियो और कुछ नहीं डालना है। अच्छा, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर गौर से सुन सकते हैं, जैसे इन भाई ने अपने टाइटल पर डाला अपील वीडियो और एक वीडियो क्रिएट किया जिसको यूट्यूब पर इन्होंने अपलोड किया, इसके बाद 24 घंटे के बाद इनके चैनल पर से रिव्यूज कंटेंट हट गया। अब अच्छा भाई, ये बताइए कि आप जैसा तरीका बताए इसी तरीके को लगाकर कई सारे यूट्यूबर्स अपने चैनल पर रिव्यूज कंटेंट हटाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, कोई किसी तरीके से वीडियो क्रिएट करता है, कोई किसी तरीके से वीडियो क्रिएट करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के चैनल पर रिव्यूज कंटेंट नहीं हटता है, कुछ ना कुछ वो मिस्टेक कर देते हैं वीडियो बनाने में या फिर किसी भी तरीके से। तो आप बताइए कि आपने जो वीडियो बनाया था जिसको यूट्यूब पर आपने अपलोड किया था उस वीडियो पर आपने क्या क्या बोला था, क्या क्या दिखाया था अपने चैनल का, किस तरीके से आपने वीडियो बनाया था जिससे सेम टू सेम ये लोग भी उसी तरीके से वीडियो बनाए, कोई मिस्टेक ना करें, कोई गलती ना करें और इनका भी यूट्यूब चैनल फिर से मोनेटाइज हो। तो आप बताइए आपने अपने वीडियो पर क्या क्या बोला था, क्या क्या दिखाया था? भाई क्या करना है, जैसे आप जैसे हर एक वीडियो बनाते हो पहले तो आपको क्या करना, पहले अपना यूट्यूब एप्लीकेशन खोल लेना, ओपन कर लेना है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है पहले, फिर यूट्यूब एप्लीकेशन खोल लेना है, फिर जाना है पॉपुलर वीडियो पहले देखना है, उसमें मतलब आगे फोन रख देना, उसको बताना है कि हाँ ये मेरा, हेलो यूट्यूब टीम, ये मेरा चैनल है, चैनल का नाम भी दिखाना रहता है उसमें, नहीं तो वो नहीं समझ पाएगा, तो बताना रहता है हेलो यूट्यूब टीम, ये मेरा चैनल है, मैं स्वयं वीडियो बनाता हूँ, इसमें मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ, ग्रीन स्क्रीन वाले को लिए मैं बता रहा हूँ, और जैसे हो गया कि पॉपुलर वीडियो दिखा देना है भाई, बारी बारी करके एक एक वीडियो के मैं स्वयं में वीडियो बनाया हूँ, देख सकते हैं इसमें मेरा वॉइस ओवर भी है, मैं ऐसे वीडियो क्रिएट करता हूँ, जैसे आप ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हो वो भी दिखाना रहता है कि मैं ऐसे ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाता हूँ, ये दूसरे का कंटेंट लेके ऐसे ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, मतलब कि जो भी काम आप करते हो उसको साफ साफ आप उस वीडियो पर बता दो, दिखा दो, पॉपुलर वीडियो भी चेक करा दो कि मैं इस तरीके से वीडियो क्रिएट करता हूँ, ठीक है? जैसे एडिटिंग भी कोई करता होगा मतलब और अदर प्लेटफॉर्म पे, तो एडिटिंग भी उसमें दिखाना होगा कि मैं यहाँ से वीडियो को एडिट करता हूँ। अच्छा, इस तरीके से आपके चैनल का रिव्यूज कंटेंट हट गया या फिर उनके चैनल पर भी हट जाएगा जो अपना फेस और जो अपना वॉइस को डालते हैं, क्या उनके चैनल से भी रिव्यूज कंटेंट हट जाएगा जो भाई बहुत कम फेस दिखाते हैं, 30% 40% से भी ज्यादा, और वॉइस भी मतलब 30-40% से भी कम दिखाते हैं, वॉइस भी नहीं डालते हैं, किसी किसी वीडियो को तो डायरेक्टली डाउनलोड करके डाल देते हैं, तो क्या उनके चैनल पर ये तरीके से रिव्यूज कंटेंट हट जाएगा? भाई उसमें तो फेस दिखाना ही रहता है, अब जो नहीं दिखाता है वो जानेगा भाई हटेगा या नहीं हटेगा। आप लोग समझ सकते हो भाई, ग्रीन स्क्रीन पर अगर आप काम कर रहे हो तो अगर जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हो, मान लीजिए आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है फिर भी यूट्यूब ने रिव्यूज कंटेंट दे दिया है, तब तो आप इस तरीके को अप्लाई करके अपील वीडियो बना के उसको डालकर अपना जो भी गलती है उसको एक्सेप्ट कर लो, जैसे थोड़ा बहुत कर दिया है तो यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा। लेकिन आप सोचो कि भाई बिना फेस दिखाए या फिर फेस थोड़ा सा दिखा दें, वॉइस भी ना डालें और इस तरीके से करें, तो भाई आप खुद बताइए क्या मोनेटाइज हो जाएगा? भाई मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, भाई अपनी गलती तो बताना रहता है यूट्यूब को, तभी वो चेक करेगा तब मोनेटाइज करेगा, अदर फिर रिव्यूज कंटेंट छोड़ देगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। हाँ, और वो भी आपका गलती भाई, रूल नियम के हिसाब से होना चाहिए, नहीं आप वॉइस ना डाले हो और बोल दो कि मैंने गलती कर दिया वॉइस नहीं डाला, तो भाई वो मोनेटाइज नहीं करेगा, क्योंकि यूट्यूब भी पागल नहीं है,
अब मान लीजिए इन्होंने अपने चैनल पर क्या किया था कि वीडियोस को डाला था और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी जिससे यूट्यूब नहीं समझ पाया, नहीं चेक कर पाया, रूज कंटेंट दे दिया। इन्होंने एक अपील वीडियो बनाया जिसपे साफ साफ दिखाया कि मेरा पॉपुलर वीडियो ये है, मैं यहाँ से कंटेंट लेता हूँ, इस तरीके से वीडियो एडिट करता हूँ, इस तरीके से वीडियो क्रिएट करता हूँ, आप सब कुछ चेक कीजिए और मेरे चैनल पर कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है जो कि रूल को उल्लंघन कर रहा, आप मेरे चैनल को मोनेटाइज कर दीजिए। इस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया और इनके चैनल को यूट्यूब ने चेक किया, सही में वैसा था तो फिर से इनके चैनल को मोनेटाइज कर दिया। लेकिन अगर आप लोग गलती कर तो मान लीजिए आप डाउनलोड करके वीडियो डाल रहे हो, आप फेस नहीं दिखा रहे हो, वॉइस नहीं डाल रहे हो, तो ये तरीका फिर आपके चैनल पर वर्क नहीं करेगा और YouTube आपके चैनल को दोबारा से मोनेटाइज नहीं करेगा। ये भाई के मुंह से भी आप लोगों ने सुन लिया। जी हाँ भाई, देख मेरे मतलब चैनल पर अनलिमिटेड में वीडियो पड़ा भी है, कैसे बनता है वो जाके देख सकते हो। तो वो आप वीडियो मेरे को दे देना तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को वॉच कर लेना, जैसे इन्होंने बोला था उसी तरीके से आप भी बोल देना, ठीक है। अभी आपका चैनल फाइनली मोनेटाइज है, आपने इस तरीके से अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया। तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों यही मैं आपको बताने वाला था कि किस तरीके से उन्होंने अपने चैनल का रूज कंटेंट हटाया, वही तरीका अप्लाई करके आप भी अपने चैनल का रूज कंटेंट हटाओ। क्योंकि जब किसी चैनल पर रूज कंटेंट आता है तो भाई वो कभी बड़े यूट्यूबर से कंटेक्ट करता है, कहीं से कंटेक्ट करता है, कहीं वीडियोज डिलीट कर देता है, कहीं कुछ कर देता है। तो ऐसे कई चैनल हैं जिनके चैनल पर कोई गलती नहीं, जिनके चैनल पर कोई गलती नहीं था लेकिन YouTube ने रूज कंटेंट दे दिया। तो ऐसे सैकड़ों चैनल पर है जिनके चैनल पर कोई गलती नहीं लेकिन रूज कंटेंट आ गए। तो आप लोग अपने चैनल का रूज कंटेंट घर बैठे हटा सकते हो इस तरीके को अप्लाई करके, जैसे इन्होंने हटाया, तो आप लोग भी अपने चैनल का रूज कंटेंट हटा सकते हो। तो इनके चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि इनका दूसरा पॉडकास्ट एक इंटरव्यू मैंने पहले भी लिया था तो उसमें इन्होंने अपने चैनल का ग्रोथ का सीक्रेट बताया था, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वॉच कर लेना। और इनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लेना भाई चैनल मोनेटाइज है या फिर नहीं, ठीक है। पहले डीमोनेटाइज था लेकिन अब मोनेटाइज है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा कि आखिरकार रूज कंटेंट किस तरीके से हटाया जाता है। कोई बड़ा और टफ काम नहीं है कि भाई यूट्यूब से बात करना पड़ता है, आपको बहुत पढ़े लिखे होना चाहिए, कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल से वीडियो बनाना होता है जैसा कि इन्होंने बताया और उसको अनलिस्टेड में अपलोड कर दो, ठीक है, अपील कर दो। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ सीखने को जानने को मिला। और अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक है या फिर आप कुछ भी करके अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से, आप मेरे चैनल पर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिल जाएगी, जाके वहां पर फॉलो करके मैसेज कर देना, वहां से आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कि सेल्फ के साथ, तब तक वंदे मातरम।